आपने डाल दी है। देखिए तो सुनिए सर, गलती से दूध का क्यों निकाला? एक गेट था पहले, बात समझे। उधर जो चार नहीं सर, देखिए पहले सुनाते हैं, पहले एक जगह गेट था ठीक। ये लोग के मन में पाप आया कि इधर से हर पाप इधर से गेट निकाल, दो गेट पुरता साल निकाल दिया सर। ये मामला 1993 से चल रही है, जब ये जमीन हमारी पुश्तैनी है, खानदानी प्रॉपर्टी है। हम जब प्लॉट पे जाते हैं तो ये सतीश पजियार के जो लड़के हैं, आलोक पजियार, मनीष पजियार, अशोक पजियार, सारे लोग आते हैं, दो चार दस लोगों को और ले करके और गाली गलौज करके हमको भगाते हैं। दरभंगा शहर के विश्वविद्यालय थाना पर प्रत्येक शनिवार की भांति शनिवार भी जनता दरबार का आयोजन अंचला अधिकारी कर्मी के समक्ष भूमि विवाद को लेकर किया गया। आज शनिवार को विश्वविद्यालय थाना परिसर में भूमि विवाद को लेकर जनता दरबार का आयोजन किया गया, जहां कई पक्ष आकर अपना विवाद अंचला अधिकारी के कर्मी एवं थानाध्यक्ष के पास रखे। लेकिन इसी दौरान यह भी देखने को मिला कि वहां एक दूसरे पक्ष के अलावा कई अन्य लोग भी मौजूद रहते हैं, जो इस विवाद में हस्तक्षेप करते रहते हैं, जिसके कारण अंचल अधिकारी कर्मी एवं थाना प्रशासन को विवाद का निपटारा करने में काफी विलंब होता है। साथ ही साथ इन लोगों के द्वारा दबाव बनाया जाता है, जो प्रशासन के लिए सिर दर्द बना रहता है। हालांकि ठीक इधर मीडिया से बातचीत के दौरान अंचल अधिकारी कर्मी ने बताया कि यहां प्रत्येक शनिवार की भर्ती इस शनिवार भी जनता दरबार का आयोजन किया गया, जहां कई भूमि विवाद का निपटारा किया गया। लेकिन दूसरी तरफ आज आजमनगर कल्पना सिनेमा के पास एक भूमि विवाद देखने को मिला, जहां निपटारा हो जाने के बावजूद भी एक पक्ष के द्वारा पेपर पर साइन किया गया, वहीं दूसरे पक्ष के द्वारा साइन नहीं कर आदेश का उल्लंघन किया गया। आगे क्या देखिए। आज शिविर में सबसे बड़ा मामला कहाँ का क्या था? मामला जो सॉल्व हो जाए वो छोटा है, जो ना हो वही सबसे बड़ा है। एक मामला जो आया, मामला तो सॉल्व हो जाएगा। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के अलफगंज का जो मामला है, कई शनिवार बैठक से ये मामला चल रहा है, उसमें क्या हुआ? उसमें कई शनिवार से कहा चला, आज ना आज ना आया, पहले भी आए थे ना, पहले शनिवार में नहीं आया, पहले नहीं आज है। आज क्या हुआ? आज फैसला आज यही द्वितीय पक्ष धड़के वाला की मांग की गई, जिससे वस्तु सीधा स्पष्ट हो जाएगा। उन्होंने 15 दिन का टाइम दिया, मांगा किया गया। सूत्रों की माने तो एक पक्ष ने साइन करने से भी इनकार किया। हाँ, इनकार क्या, वो थोड़ा उनकी मानसिकता है, तो हम लोग तो पैसा देकर भी नहीं करवा सकते, आपको खर्चा नहीं होगा। तो सर एक बात बताइए कि यहाँ पे बैठती हुई, उससे क्या माना जाए कि दो पक्ष का साइन क्यों नहीं, दूसरे पक्ष ने साइन नहीं किया, उसे क्या क्या माना जाए? ये माना जाए उसको जनरली तो यही, जो उनको भूमि से संबंधित जानकारी नहीं थी, वो अपने बिहार में पिताजी के बिहार में यहाँ आए हुए थे।